आज हम लोग जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी अपडेट है जो कपिल शर्मा की वाकई में नींद उड़ाने के लिए काफी है। देखिए, कपिल शर्मा कॉमेडी की जब बात आती है टीवी के ऊपर तो वहां पर वो जायंट है, लेकिन हमको ये बात भी माननी पड़ेगी कि नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा का जो शो आया वो फ्लॉप तो नहीं हुआ, लेकिन उसको उतना पसंद भी नहीं किया गया। अब ऐसे में कपिल शर्मा ने जो जगह टीवी पे खाली छोड़ी है भाई, कोई ना कोई तो उसको भरेगा ही। अभी चल रहा है वहां पर एक शो, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो शो भी कितना कोई खास पसंद किया नहीं जा रहा। और टीवी पर ये चीज देखी गई है कि कपिल शर्मा के शो के अलावा जो भी कॉमेडी शोज आए इस शो के आने के बाद में, वो शोज इतने चल नहीं पाए। फिर चाहे आप कृष्णा अभिषेक के शो की बात कर लो, आप भारती के शो की बात कर लो, आप सुनील ग्रोवर के शो की बात कर लो, सबने अपने अपने हिस्से की असफलता का स्वाद चख लिया जब भी ये लोग कपिल शर्मा से भिड़ने के लिए गए। लेकिन इस बार जो पंगा होने वाला है ना, वो पंगा बहुत भारी होने वाला है। दरअसल जो रिपोर्ट्स आ रही है उनमें बताया जा रहा है कि जाकिर खान को अब एक शो के जरिए टेलीविजन की दुनिया में उतारा जाने वाला है। अगर जाकिर खान को आप नहीं जानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उस जनरेशन के हैं जो कपिल शर्मा को पसंद करता होगा, और अगर आप जाकिर खान को जानते हैं तो आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि ये बंदा वाकई में भौकाल काटने के लायक है। दरअसल इंदौर से ताल्लुक रखने वाले जाकिर खान सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़े कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक शायर के तौर पर भी इनकी अच्छी खासी पहचान है। और सबसे बड़ी यूएसपी जो मैं जाकिर खान की कहूंगा वो ये है कि ये ऐसी कोई कॉमेडी नहीं करते जिसको सुनकर आपको ये लगे कि यार ये चीज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकता। तो ऐसे में जाकिर खान जो कि अभी सोशल मीडिया के कारण यूथ में भयंकर पॉपुलर है, अगर वो टीवी पर आ गए और फैमिली ऑडियंस ने उनको पसंद कर लिया तो याद रखिएगा कपिल शर्मा के तख्त को हिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो टीवी इंडस्ट्री का ही सबसे बड़ा उलटफेर होगा जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि इस समय पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कपिल शर्मा को कोई हिला सकता है। बट जाकिर खान में वो बात है, क्योंकि जाकिर खान की जो बात होती है वो रहती बड़ी हल्की है लेकिन उसमें वजन बहुत ज्यादा होता है और लोगों के दिलों में बिल्कुल तलवार की तरह उतर जाती है। दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो रहा है। पिछले साल ऑफ एयर ये हो चुका था, कपिल शर्मा अपने नए शो के साथ नेटफ्लिक्स पर गए तो वहीं टीवी पर उनके शो की जगह पर मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे ने ले ली। इसमें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को परमानेंट गेस्ट के रूप में देखा गया। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि हुमा का ये शो दर्शकों को उतना कुछ खास पसंद आ नहीं रहा है और ये नाकाम है। ऐसे में इस शो को भी अब रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसे में रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सोनी टीवी जाकिर खान के शो को अब ऑन बोर्ड करने वाला है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि कॉमेडियन जाकिर खान जल्द ही मैडनेस मचाएंगे की जगह पर अपना शो लेकर आने वाले हैं। शो के फॉर्मेट और रिलीज डेट से जुड़ी हर एक डिटेल सामने आई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जाकिर खान शायरी और कॉमेडी से भरा ये शो लेकर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर खान के शो में शायरी और कॉमेडी दोनों का ही एक बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलेगा, वो भी जाकिर खान के खुद अपने स्टाइल में। कॉमेडियन जाकिर खान ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी और शायरी के दम पर खुद की एक ऑडियंस बना रखी है जो उनके शायराना अंदाज को काफी पसंद करती है। मतलब तथास्तु जो इनका एक सिंगल आया था लास्ट ईयर 2022 में, वो इस बात की बानगी था कि वो किसी एक आम सी कहानी को कितने खास तरीके से सुना सकते हैं। लेकिन अब जाकिर खान का सपना है कि वो युवाओं से यंगस्टर से आगे बढ़कर अपने ऑडियंस बेस को और बड़ा करें। फिलहाल मैडनेस मचाएंगे टीवी पर चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा। ऐसे में जाकिर खान का नया शो अगस्त में शुरू हो सकता है। इस शो में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की तरह बॉलीवुड स्टार्स मेहमान बनकर आएंगे। ये जाकिर खान का टीवी पर दूसरा शो होगा। इससे पहले जाकिर खान ने 2017 में मेंटोर के रूप में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 5 में काम किया था। जाकिर ओटीटी पर फर्जी मुशायरा नामक नॉन फिक्शन शो भी कर चुके हैं जहां जाकिर अपनी कॉमेडी और शायराना अंदाज को कुछ जाने माने मेहमानों के साथ दिखा चुके हैं। जाकिर खान के शो की बात करें तो उनका शो इसी साल अगस्त में टीवी पर शुरू होने की उम्मीद है। शो में शायरी के साथ साथ कॉमेडी के साथ बॉलीवुड के गेस्ट भी नजर आएंगे, जैसे ठीक कपिल शर्मा के शो में होता है। अगर कपिल का ये शो बंद होने के बाद में जाकिर का ये शुरू वाकई में शुरू होता है तो ये दूसरी बार होगा जब वो टीवी पर नजर आएंगे। हालांकि अपने एक शो द ग्रेट इंडियन आफ्टर चैलेंज के अलावा चाचा विधायक है हमारे करके एक ओटीटी वेब सीरीज भी ये कर चुके हैं जिसका कि तीसरा सीजन अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इसमें वाकई में उनका किरदार लोगों को काफी पसंद आया था। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि कपिल शर्मा के शो की बात अगर हम करें तो हाल ही में कॉमेडियन ने अपने नए शो के सीजन 1 की शूटिंग खत्म करी। नेटफ्लिक्स पर साल 2024 में शुरू हुआ था अप्रैल में, और खबर थी कि शो को कम टीआरपी मिलने की वजह से उसे बंद किया जा रहा है। इस पर शो की टीम ने रिएक्ट करते हुए इन सब बातों को अफवाह बताया था। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में
इस सीरीज में हीरा मंडी के कलाकार पहुंचे थे और जल्दी ही इसमें एड शीरन भी नजर आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, शो में कलाकार तो अच्छे पहुंच रहे हैं, बट मुद्दा यही है कि ये शो कब तक, कहां तक, कैसे और क्यों आगे बढ़ पाएगा। खास बात यह है कि कई सालों की लड़ाई के बाद में इस बार कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर की भी वापसी हुई है। दोनों मिलकर दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दाल गल नहीं पा रही है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद, जय भारत।